हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से एक पत्र जारी हुआ है जो विद्यालय के लिए अवकाश तालिका निर्गत किया गया है उस पर टिप्पणी किए जाने के संबंध में पत्र जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी का। सेवा में श्री मनोज कुमार, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय नरुद्दीनगंज मालसलामी। प्रसंग दिया गया है, उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं। पहला, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी के किसी भी संघ की को मान्यता नहीं दी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों को किसी भी संघ का सदस्य बनने की मनाही है। यदि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा किसी भी संघ की स्थापना की जाती है या उसकी सदस्यता ली जाती है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा एवं उक्त शिक्षक कर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया साइट पर या समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से अनर्गल प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा एवं शिक्षक एवं कर्मी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त के बावजूद आपके द्वारा सरकार के नीति एवं विद्यालय के लिए निर्गत अवकाश तालिका के विरुद्ध आपके द्वारा सोशल मीडिया लाइव सिटीज पर टिप्पणी की गई है, यह कृत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा। अतः पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण दें कि सरकार की नीति एवं अवकाश तालिका पर इस तरह की टिप्पणी के लिए क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से पत्र जारी हुआ है जो प्रधानाध्यापक है मध्य विद्यालय नरुद्दीनगंज के, इन्होंने अवकाश तालिका पर टिप्पणी की है लाइव सिटीज पर। तो उसी के लिए पत्र जो है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है।